नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड 19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में हुआ सुधार। अब तक 4,258 लोग हो चुके हैं ठीक। वहीं उत्तराखंड में आज एक देहरादून से कोरोना पॉजिटिव मिला। उत्तराखंड कोरोना मुक्त राज्य की ओर अग्रसर। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में स्थिति बेहतर। विधान भवन देहरादून में कंट्रोल रूम की हुई स्थापना। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते होने वाली समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का रखा गया लक्ष्य। और राज्य के सभी स्कूलों में इस वर्ष नहीं बढ़ाई जाएगी फीस। शिक्षा सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए आदेश। लॉकडाउन में अब दूरदर्शन उत्तराखंड के माध्यम से कक्षा 9, 10 और 12वीं के छात्रों की होगी पढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड 19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और अब ये 19.36% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 4,258 लोग कोविड 19 से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन का एक महीना पूरा होने पर आज मीडिया को जानकारी दी। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। ऑन द 22nd of April वी हैव डन मोर देन 5 लाख टेस्ट्स। If you do a rough calculation, it is about 33 times in 30 days. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने टेस्ट की गति को बढ़ाया है। वहीं विश्व में कोरोना पॉजिटिव केस की तुलना में भारत में ये दर कम है। अन्य देशों के मुकाबले अभी तक देश में 4% लोग ही पॉजिटिव हो रहे हैं। 4% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले, और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही है। यानी कि हम एक कांस्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और हम ये देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी क्या स्थिति है। इट्स अ रफ कंपैरिजन। देयर कैन बी नो 1-to-1 कंपैरिजन। ईच कंट्री इज डिफरेंट एंड ईच कंट्री नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बट दिस इज रफली अ रफ कंपैरिजन दैट वी हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सामाजिक बहिष्कार के भय से लोग इस संक्रमण के लक्षणों को छिपाने का प्रयास न करें। समय से चिकित्सकों से सलाह लेना इस संक्रमण से बचने का प्रभावी तरीका है। We have stigmatized them to a large extent, which is creating a huge problem. It's creating a panic, it's creating problem as far as society is concerned. These individuals, these patients, their families are having huge hardship which are really unjustified. And not only that, it is actually causing increasing morbidity and mortality. Because of the stigma that is happening, many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to healthcare facilities, and because of that they are coming very late when they are really very breathless, and this is leading to higher mortality. वहीं राज्य में आज देहरादून से कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना परीक्षण की आज 215 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या अब 47 हो गई है, जिनमें से 24 स्वस्थ हो चुके हैं। आज तक कुल 4,473 सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। 68,000 से अधिक लोग घरों में और संस्थागत क्वारंटीन में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18,000 से अधिक क्वारंटीन किए गए लोगों की मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग कराई गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड कोरोना मुक्त राज्य की ओर अग्रसर है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण रोकने की स्थिति बेहतर है। प्रदेश में 7 जिले वर्तमान में ग्रीन जोन में हैं, जबकि 9 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। हमने पूरी तैयारी के साथ सारी योजनाएं तैयार की कि हमें चरणबद्ध ढंग से क्या क्या करना है।
और इसका परिणाम आया कि हमारे राज्य में कोरोना को हमने पूरा कंट्रोल किया, लेकिन इस बीच में मरकज वाली स्थिति से राज्य में स्थिति खराब करने का प्रयास किया गया। हमने उसमें भी बड़ी एकदम तत्परता दिखाते हुए वो सारी लिस्टिंग किया। अब स्थिति यह है कि हम नया कोई केस इस रूप में हमारे राज्य में नहीं है, और जितने केस आज तक आए उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसकी हिस्ट्री ना हो, सबको मालूम है कि कहाँ से आया। तो इस देखा जाए तो अब हम राज्य के अंदर आज भी हम उसी चरण में हैं जिस चरण में कोरोना शुरू हुआ था। हमारे यहाँ सेकंड थर्ड चरण की बात मैं नहीं करूँगा। कोरोना महामारी की रोकथाम और राहत कार्यों में गति लाने के लिए उद्देश्य से विधानसभा देहरादून में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी के समय होने वाली समस्याओं को शासन तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए थे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कंट्रोल रूम में 3 अधिकारियों की 4-4 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी अधिकारी सभी विधानसभा सदस्यों से उनके क्षेत्र में कोरोना से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर कार्रवाई के लिए शासन को प्रेषित करेंगे। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशानुसार उत्तराखंड विधानसभा ने भी अपना एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उसने आज से अपना कार्य प्रारंभ किया है, और जो लोकसभा में भी कंट्रोल रूम स्थापित होने जा रहा है उसका इससे समन्वय भी रहेगा, और जो भी माननीय विधायकों की इस दौरान समस्या हमें प्राप्त होगी हम कोशिश करेंगे शासन स्तर पर वो उनका निराकरण हो, ताकि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे देश प्रदेश भर में हमारे माननीय विधायकों कोई भी इस प्रकार की समस्या जिसमें हम सहायक सिद्ध हो सकें उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कल शाम प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में इस वर्ष फीस वृद्धि नहीं होगी, साथ ही स्कूल एक बार में एक ही महीने की फीस ले सकेंगे। यदि कोई अभिभावक कोरोना संकट के चलते फीस नहीं दे पाता है तो भी स्कूल में छात्र का एडमिशन बरकरार रहेगा। यह आदेश सभी सरकारी अशासकीय और गैर सरकारी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जो अभिभावक स्वेच्छा से फीस देना चाहें वो फीस दे सकते हैं, साथ ही स्थिति सामान्य होने तक स्कूल छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव भी नहीं बना सकते हैं। ऐसे छात्रों को भी ऑनलाइन सहित सभी शैक्षणिक सुविधाएं यथावत उपलब्ध कराई जाएंगी। आदेश में स्कूलों के लिए सभी कार्मिकों का मासिक वेतन भी जारी रखने को कहा गया है। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद होने के कारण अब राज्य सरकार ने दूरदर्शन उत्तराखंड के माध्यम से छात्र छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है। दूरदर्शन उत्तराखंड में कल से दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक कक्षा 9, 10 और 12वीं के विषयों से संबंधित 3 एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद हैं। इसलिए कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के शिक्षण को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित और अंग्रेजी से संबंधित एपिसोड्स का प्रसारण दूरदर्शन उत्तराखंड के सहयोग से किया जा रहा है। और उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा के बच्चों से कहना चाहूंगा कि निश्चित ही लॉकडाउन की वजह से आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी, लेकिन इस क्षति को पूर्ति करने के लिए बेटा हमने छोटा सा प्रयास किया है, हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि दूरदर्शन चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हमने कुछ एपिसोड के बदौलत आप तक कुछ विषयों को हमने पढ़ाने की हमने कोशिश हम करने जा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, अभिभावकों से निवेदन है, विषय विशेषज्ञों के माध्यम से एपिसोड के द्वारा हम पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाकर आप लोग सिखाने का प्रयास कीजिए, और जो बच्चों की जिज्ञासा होगी टेलीफोन नंबर भी देंगे, उन नंबरों पे आप हमको बाद में बताएंगे तो हम उसका समाधान भी निकालेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम में संशोधन करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने वाले चिकित्सकों के साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम अपने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हम सभी का दायित्व है। वहीं चमोली जिले में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे पुलिस के जवान, पर्यावरण मित्र, बैंक कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई की। लोगों का कहना है कि इस महामारी के समय कोरोना फाइटर्स अपने घर और परिवार को छोड़कर 24 घंटे समाज के लिए समर्पित हैं। ऐसे समय में हम सबका कर्तव्य बनता है कि कोरोना फाइटर्स का मनोबल ऊंचा रखें और उन्हें प्रोत्साहित करें। आज जो है चमोली के व्यापारियों ने बैंक के कर्मचारियों का, अपने पुलिस कर्मी भाइयों का और पर्यावरण मित्रों का जो है सूक्ष्म जलपान का ये अपनी ओर से किया है और इनका धन्यवाद भी अदा किया है कि जो ये अपने जान जोखिम पर रखते हुए समाज के हित में समाज के कार्यों पर लगे हैं। और इसमें हम सब के नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, व्यापारियों की हो गए, हमारे व्यापारी हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, पर्यावरण मित्र हो गए। इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि हमारे जितने भी लोग इस महामारी के उसमें भी जो है दिन रात अपनी सेवाओं को जिस तरीके से हम आम जनता के लिए कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस मौके पर डॉक्टरों ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और अपने घरों में रहने की अपील की। हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उनकी अगेंस्ट स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे द्वारा मेडिकल टीम बनाई गई है जिनको गांव-गांव में भेजकर जितने लोग बाहर से आए हुए हैं उनको होम क्वारंटाइन करवा के, एटलीस्ट हमारे यहाँ पे 350 प्लस लोग अभी क्वारंटाइन हो चुके हैं जिनकी हर डे पर डे की मेडिकल टीम भेज के हमारे द्वारा क्वारंटाइन किया जा रहा है और उन्हें स्क्रीनिंग की जा रही है। जनता को एक जगह से नियमबद्ध रखना वो इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ साथ किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, किसी को कुछ ना हो, तो हमेशा जो स्वास्थ्य विभाग अपनी तत्परता से पहले भी लगा है और अब तो और मुस्तैदी से लग रहे हैं। इवन जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे घर घर जाकर के भी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे जितने भी लेबर आई हैं, इवन हम लोगों की टीम ने, पूरी टीम ने वन डे में 90 लेबर्स को हम लोगों ने चेकआउट किया है, उनका प्रशिक्षण किया है प्राथमिक दृष्टि में, और सभी लोगों को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं और इस वक्त जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो इसके लिए रेलवे लगातार कार्य कर रहा है। रेलवे उधम सिंह नगर जिले से देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा है जिसका लाभ किसान, व्यापारी और मजदूर वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। मुख्य माल अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क मार्ग की अपेक्षा रेलवे द्वारा सामाजिक दूरी बनाते हुए माल आपूर्ति करना आसान है। उन्होंने बताया कि रेलवे ने अभी तक 14 रैक खाद्यान्न की विभिन्न राज्यों में भेजी है। माल की लदाई और उतराई दौरान भी सामाजिक दूरी बनाए रखी जा रही है, साथ ही सबको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मेरे माल गोदाम से विभिन्न राज्यों को 14 रैक खाद्यान्न का सप्लाई किया गया है जिसमें लेबर को जो है सोशल डिस्टेंसिंग, रैक का सैनिटाइजिंग, सभी गाड़ियों का सैनिटाइजिंग और मास्क का प्रयोग तथा बार बार साबुन और सैनिटाइज का प्रयोग लेबर को करने के निर्देश करते हुए कार्य किया जा रहा है जिसमें कि हमने 14 रैक विभिन्न राज्यों को सफलतापूर्वक भेजने का कार्य किया है। माल को आम जनता तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है जिससे इस महामारी के समय में आम जनता खाद्यान्न सामग्री पहुंच जाए। ढुलाई का कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को मास्क दिए गए हैं। श्रमिक महेश साहनी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते रेलवे से ही उनको कार्य मिल पा रहा है, इस दौरान उन्हें अच्छी मजदूरी मिल रही है। हमारा ये रुद्रपुर स्टेशन हर किसी व्यक्ति का पेट भरने का गुजारा कर रहा है। यहाँ पे जो हम लोग कम से कम 150 वर्कर हैं यहाँ पर जो फलेदारी करते हैं, इनको यहाँ पे जो रेलवे जो काम दे रही है वो बहुत ही अच्छा काम दे रही है। इस समय हर किसी को गुजारा यहीं से हो रहा है और रेलवे शायद यहाँ पे अगर काम नहीं देता तो सैकड़ों लोग यहाँ पे भूखे की स्थिति में कगार हो जाते। वहीं ट्रांसपोर्टर सुरेश बब्बर ने बताया कि इस समय रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी है जिसका उन्हें भी लाभ मिल रहा है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए हम लोगों को लगाया गया है। हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का ध्यान रखते हुए और रेलवे द्वारा जो इतनी सुविधा दी जा रही है, रेलवे द्वारा इस समय डैमरेज नहीं लिया जा रहा। नॉर्मल में बहुत डैमरेज लिया जाता है, अभी फिलहाल उन्होंने डैमरेज को माफ करते हुए कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई लगातार बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मजदूरों का टेम्परेचर नापकर, मास्क लगवाकर और रेलवे द्वारा पूरी सुविधा दी जा रही है।
व्यापारी राजेश बंसल ने बताया कि रेलवे के माध्यम से यहां एफसीआई दूसरे राज्यों को चावल भेज रहा है, इससे किसानों के साथ ही व्यापारियों को भी लाभ मिल रहा है। इससे व्यापारियों को भी बहुत फायदा है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग से माल बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और व्यापारियों का माल एफसीआई में बड़े आराम से उतर रहा है। यहाँ से एफसीआई द्वारा चावल का ढुलान बहुत स्पीड से पूरे देश में किया जा रहा है। इससे यहाँ के लोकल व्यापारियों को बहुत सुविधा हुई है। जो हम लोगों ने गवर्नमेंट को चावल देना था उसको उतारने में बहुत सुविधा हो रही है और जगह का प्रबंध समुचित हो गया है। हम रेलवे के बहुत आभारी हैं, उसने लॉकडाउन के दौरान जो देश की सेवा की है। व्यापारी किसान सब रेलवे के काम से बहुत खुश हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड 19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में हुआ सुधार, अब तक 4,258 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में आज एक देहरादून से कोरोना पॉजिटिव मिला। उत्तराखंड कोरोना मुक्त राज्य की ओर अग्रसर, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में स्थिति बेहतर। विधान भवन देहरादून में कंट्रोल रूम की हुई स्थापना, राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते होने वाली समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का लिखा गया लक्ष्य। और राज्य के सभी स्कूलों में इस वर्ष नहीं बढ़ाई जाएगी फीस, शिक्षा सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिया आदेश। लॉकडाउन में अब दूरदर्शन उत्तराखंड के माध्यम से कक्षा 9, 10 और 12वीं के छात्रों की होगी पढ़ाई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।